एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। और आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबने उस वीडियो को देख लिया होगा ऑप्टिकल डिवाइस वाले। तो कोई है ऐसा जिसने उस वीडियो को ना देखा हो? ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं वन बाय वन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर की हुई है। तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए। तो आप सबने ऐसे लैब में बहुत सारे सिंपल माइक्रोस्कोप देखे होंगे, जैसे जो बायो वाले बच्चे होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसमें, लेकिन अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है दैट इज नथिंग बट अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो एक सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस जो होगा जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, तो एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है तो वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाएगा आपका। तो आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से छोटी चीजों को मैग्निफाई करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है, कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे देखिए दो डायग्राम दिखाए जा रहे हैं। ये देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी अपनी कुछ ये इसका फोकस है, देखो दिस एफ पॉइंट। ठीक, अब क्या होता है कि मान लो हम एक ऑब्जेक्ट है जिसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के देखो बीचों बीच रख दे रहे हैं। तो व्हेन वी आर टीचिंग अवर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो तुम सबको पता है कि जब भी हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो वो जो लेंस है वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइड में देखो इमेज बन रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से हम दो रे लेके चलने वाले हैं क्योंकि हमको पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें टू रेज आर रिक्वायर्ड। तो देखो इस पी पॉइंट से एक रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली है और हम सबको पता है कि एक रे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये कहां से पास हो जाएगी, दूसरे साइड में फोकस से पास हो जाएगी। ये यहाँ पे ये फोकस है, दिस इज द फोकस, क्योंकि हमें पता है लेंस में दोनों तरफ फोकस होते हैं, एक इधर फोकस है और एक इस तरफ भी फोकस है। ये तो हो गया पहले वाली रे का डायग्राम। ऐसे ही हमने एक दूसरी रे ली है इसी पॉइंट पी से और ये हमने पास कराया है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो हम सबको पता है कि ये बिना डेविएशन के सीधे रेखा निकल जाएगी। इस तरह से देखो हमारी दोनों रेज क्या हो चुकी हैं, रिफ्रेक्ट हो चुकी। अब देखो अगर हमें इमेज लोकेट कराना है, हमको पता है कि इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टेड रे। तो देखो एक रिफ्रेक्टेड रे ये है और एक रिफ्रेक्टेड रे, और अगर हमें इमेज को लोकेट कराना है तो मुझे इन दोनों रिफ्रेक्टेड रेज का क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और देखो ये दोनों रेज लेंस के राइट साइड को कभी देखो मिलने वाली है नहीं यहाँ, इसीलिए अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं इनको देखो बैकवर्ड ट्रेस करूंगा और इफ आई ट्रेस देम बैकवर्ड दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट पी डैश। तो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ना, इसकी इमेज कहाँ पे दिखेगी, इस पी वन पॉइंट से दिखेगी या पी डैश पॉइंट से दिखेगी। तो इसी हिसाब से हम अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर दे पी वन क्यू वन, तो बेटा ये पी वन क्यू वन जो है This is the image of this object PQ. So this is how a convex lens या एक simple microscope forms a virtual, erect and magnified image of an object when the object is kept between focus and optical center.
ठीक है। अब अगर हमें इस इमेज को देखना है तो हमें देखो अपनी आंखों को लेंस के दूसरी तरफ अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी आईज की लोकेशन होनी चाहिए और ये दोनों रेज जब हमारी आंखों में एंटर करेंगी तो फिर हमें ये एक मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इस ऑब्जेक्ट की दिख जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज हाउ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स। क्वेश्चन आ रहा है कि सर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही क्यों रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, Why not we are keeping this object outside the focus of the lens? तो कोई बताएगा कि इसको हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही क्यों यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, उसके बाहर क्यों नहीं यूज करते? मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर अगर चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, बताएं जल्दी। कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं अगर कोई बताना चाहे तो। नो वन? कोई भी नहीं है? ठीक है चलो मैं ही बता देता हूं। देखो ये क्या है बेटा, आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मैग्नीफाई करना, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। तो बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ इसी पोजीशन के लिए ही देता है आपको, जब ऑब्जेक्ट कहाँ 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 से कहाँ के बीच में रखा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी एक कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज देता है आपको। इसीलिए हमारे पास ये मजबूरी बन जाती है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रख सकते हैं। इसके बाहर आप रख दोगे ना हमेशा छोटी इमेज बनती है। ये आपने कॉन्वेक्स लेंसेज के द्वारा इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा होगा क्लास 10 में कि आप ऑब्जेक्ट को देखो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हो। तो एक कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये बात समझ में आ गई कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। दूसरा फायदा देखो ये भी है कि देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो उसकी देखो इमेज भी कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा ये वॉइस वाली प्रॉब्लम और भी बच्चों के साथ है क्या? इज दिस वॉइस प्रॉब्लम विद अदर्स ऑल्सो? नो, लेट मी चेक, देखता हूं मैं इसमें प्रॉब्लम है। अब बताइए, अब बताएं, देखो अब वॉइस आ रही है, जल्दी से बताओ ताकि हम आगे बढ़े। चलो ठीक है, ओके। वो दूसरा हेडफोन ऑन था इस वजह से, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे सब, ये चीज सबको देखो समझ में आ गई ना कि एक कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग पर्पज के लिए या माइक्रोस्कोप की तरह सिर्फ एक कंडीशन में यूज होता है कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। ये बात सबको क्लियर है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो दो तरह से हम इमेज का फॉर्मेशन करा सकते हैं। देखो हमारे पास चॉइस क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस तक ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं, फोकस के आगे नहीं ले जा सकते वरना फिर छोटी इमेज बनाने लगेगा ये कॉन्वेक्स लेंस। तो चलो अब हम इसको अगर हम शिफ्ट भी कर सकते हैं तो मैक्सिमम ये ऑब्जेक्ट कहां तक आ सकता है बच्चों? फोकस तक आ सकता है। इसीलिए दिस इज द सेकेंड रे डायग्राम इन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। तो दो तरह से देखो हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज कर सकते हैं। एक केस ये जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, और एक केस तब जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो। तो आप सबको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो किसी कॉन्वेक्स लेंस के तो जो इमेज बनेगी वो कहां जाके बनती है? इंफिनिटी पे बनती है। तो यानी इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो इंफिनिटी पे बनेगी और बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी,
वेरी वेरी लार्ज इन साइज. तो दिस इज द सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस. तो तुमको एग्जाम में ना रे डायग्राम आते हैं. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एग्जाम में रे डायग्राम बनाने को आता है, तो आपको ये रे डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए. तो इसलिए इनको बार बार आप प्रैक्टिस करो घर में, क्योंकि रे डायग्राम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में. अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस. तो देखो ये हो गया तुम्हारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप. अब एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप. तो लेट मी शो यू. तो देखो दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन वाले. ठीक है, तो मैं इसको बोर्ड में लिख देता हूं, आप लोग बोर्ड में देखो सब. तो देखो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केसेस देख लिए. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में केस वन है जब इमेज फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन. देखो बच्चों इसको मैं अभी समझाऊंगा कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन क्या है. बस एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अभी आप फोकस करो फॉर्मूले पे और केसेस पे. सेकंड केस होता है इमेज है ठीक है. तो देखो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन वाला केस क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे. ठीक है, देखो बच्चों अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो दिखेगा, वेट करिए. नहीं तो मैं इसको ऐसे सर्च करके भी नेट से आपको दिखा दूंगा. अगर ब्लर्ड आ रहा है बोर्ड तो मैं तुमको स्क्रीन शेयर करके ही दिखा दूंगा. ठीक है, चलो पहले ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन को हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं कई बार. तो देखो ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज अप टू विच आईज कैन हैव ए क्लियर विजन. क्या समझ में आया, कि ये वो डिस्टेंस है आईज से जहां तक हम लोग आंखों से चीजों को क्लियरली देख सकते. तो बच्चों ये होता है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन. तो जो नॉर्मल ह्यूमन आईज होती है उनका जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन की जो डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. इसका मतलब अगर हमें बुक रीड करना है ना, तो हमें बुक को कम से कम अपनी आंखों से कितनी दूर पे रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पे रखना होगा. अगर हम उस बुक को 25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे रख के रीड करेंगे ना, तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रेस फील करते हैं, हमें चीजें ब्लर दिखाई देती हैं. तो इसीलिए जब भी हम कोई चीज रीड कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसको इस डिस्टेंस पे होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर पे कम से कम. अगर आपने 25 के अंदर रख के देख रहे हो किसी चीज को, आपके आपको स्ट्रेस फील होगा और आप उस चीज को क्लियरली देख नहीं पाओगे. तो सबको समझ में आ गया ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, इसी को हम नियर पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, तो दोनों बातें सेम. तो मतलब हमारी जो आंखों की देखने की जो कैपेसिटी है कंफर्टेबली, बताओ वो कहां से कहां तक होगी, कौन बताएगा. तो मतलब अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. हाँ बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर से लेके कहां तक की चीजें हम देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक की चीजों को देख सकते हैं. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर. तो बेटा बहुत दूर पे अगर कोई पेड़ है बिल्डिंग है तो वो तो हम देख लेते हैं कंफर्टेबली. तो बिल्कुल सही है, हमारी जो ह्यूमन आई की जो देखने की जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होती. ये बात सबको क्लियर हो गई. ठीक है, अब बच्चों देखो
क्या है, फिर हम वापस आ रहे हैं अपने माइक्रोस्कोप में, कहां गया डायग्राम, ये रहा। चलो हम इसमें से समझते हैं इसको, लुक एट दिस डायग्राम। ओके, ये देखिए यहां पे ये है देखो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। सब लोग बोर्ड पे फोकस, स्क्रीन पे फोकस करो, और ये देखो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बेटा तुम सबको बताया कि ऑब्जेक्ट की इस लेंस से जो डिस्टेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, लेट्स से दिस इज यू। अब हम सबको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये फोकस के अंदर रखा हुआ है तो एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज देखो ये बन गई पेंसिल की तुम्हारी, ये इमेज है इसकी। अब मुझे तुम ये बताओ ये जो इमेज बन रही है यहां पर वो लेंस से कितनी दूर पे होनी चाहिए कम से कम, तब हम उसको क्लियरली देख पाएंगे। लेंस से कहना गलत होगा, आंखों से कम कितनी दूर पे होनी चाहिए, तो बताएं जल्दी। व्हाट शुड बी द मिनिमम पोजीशन ऑफ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम आवर आईज। तो बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर पे अगर ये इमेज बनेगी तभी हम इसको क्लियरली अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो समझ में आया बच्चों, जो पहला केस मैंने वहां लिखा हुआ है ना कि इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि बेटा उसके अंदर हम इमेज नहीं बनवाना चाहेंगे कभी भी। तो हमारा जो पहला केस बनता है वो यही बनता है कि जब इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है या नियर पॉइंट पे बन रही है। इसीलिए देखो यहाँ पे वी इक्वल टू कैपिटल डी लिखा हुआ, देख रहे हो ये जो इमेज डिस्टेंस वी दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। ये कैपिटल डी यही है 25 सेंटीमीटर तुम्हारा, इसी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया, पर बात आ रही है ये जो डिस्टेंस यहां दी है ये तो लेंस के सेंटर से दी हुई, रियलिटी में ये जो डिस्टेंस है ये कहां से होनी चाहिए, हमारे आंखों से होनी चाहिए, क्योंकि हम आंखों से ही तो देख रहे हैं ना इस इमेज को। तो बेटा जब भी हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जब भी तुमने देखा होगा ज्योतिष वाले को, तो वो अपनी आंखों को ना लेंस से बिल्कुल सटा के रखता है, जब भी वो देखता है तुम्हारे हाथों की रेखाओं को तो वो अपनी आंखों को लेंस के बहुत ज्यादा क्लोज लगा के देखता है। इसीलिए कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेंस से नाप रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी कहां से भी डिस्टेंस होगी, आंखों से भी वही डिस्टेंस होगी, क्योंकि बेटा आपकी बिल्कुल आंखें जो लगी होती है यहां पे, तो मैंने दूर दिखाया है इस डायग्राम में, बट इट इज वेरी क्लोज टू द लेंस। तो इसीलिए अगर हम लेंस से कोई डिस्टेंस दे रहे हैं इसका मतलब वो आंखों से भी होगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल पास पास होती है। इसीलिए ये पहला केस है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, ठीक है। अब देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है लेंस की, अब ये आ गया फॉर्मूले वाली बात। ये तो हमने रे डायग्राम देख लिया पहले केस का, तो एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज कहां पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो आप इस डायग्राम को बनाओगे। अब चलो मैं यहाँ पे इसके मैग्नीफाइंग फॉर्मूले को निकालने जा रहा हूं। तो बेटा तुम सबको पता है कि जो मैग्नीफाइंग फॉर्मूला होता है इसका वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे इसने इसका अलग ही तरह से डेरिवेशन किया हुआ है, मैं इसको अपने तरीके से बता देता हूं तुम लोगों को। चलो इधर देखो, बोर्ड के ध्यान दो आप सब, ठीक है। देखो बोर्ड विजुअल है सबको कि नहीं, पहले ये बता दो, इज बोर्ड विजुअल, मैं बोर्ड में लिखूं जाके फॉर्मूला, जल्दी बताएं। अच्छा नॉट, देखो मैं लिखता हूं फिर तुम बताना मुझे, कोशिश करो समझने की। देखो पहला केस क्या है, जब इमेज कहां पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। बेटा इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी लिख सकते हैं इस केस। तो इमेज डिस्टेंस इस केस के लिए कितनी हो गई, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, माइनस डी हो गई। माइनस डी क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि बेटा लेंस के हम ऑब्जेक्ट वाली साइड में इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की साइड में बन रही है। देखो यहाँ पे डायग्राम में ये देखो, तो बेटा
अगर हम लेंस के इस तरफ की कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको कैसे साइन के साथ लेते हैं, माइनस साइन के साथ लेते हैं, इसीलिए मैंने b को यहाँ पे माइनस भी लिखा है। ठीक है, चलो अब मैग्नीफाइंग ब्लड बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या? इज इट नॉट विजिबल? बिल्कुल भी विजिबल नहीं है क्या? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं होगा क्या? ये इस तरफ मैं लिखूं तो दिख रहा है? देखो इस तरफ, अच्छा ठीक है बेटा, मैनेज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये वीडियो क्लियर नहीं हो रही। देखो इधर जल्दी से मैनेज करो प्लीज। तुम सबको पता है कि एक लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई यू होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ये किसके इक्वल भी होता है जल्दी से बताओ? This is also equals to f minus d upon f. ये मैंने लिखवाए थे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले कि हम किसी भी लेंस की मैग्निफाइंग पावर को या मैग्निफिकेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, f minus d upon f. होगा कि नहीं? अब चलो इस फॉर्मूले में d को क्या रख दो, माइनस d रख दो पहले वाले केस के लिए। तो अगर हम इस फॉर्मूले में d की जगह माइनस d रख देंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बना, f plus d upon f, और अगर मैं f को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोनों में तो देखो फॉर्मूला बन गया 1 plus d by f. तो देखो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो ये है फॉर्मूला तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर, 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला सबको दिख रहा है? देखो जो मैंने डेरिवेशन किया है सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताएं, इज इट विजिबल टू ऑल? ठीक है, अब मैं इसी को देखो स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे देखो इसने कैसे इसको डेराइव किया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया इसने डेरिवेशन को। तो ये देखो ये है फॉर्मूला, स्क्रीन पे सब देखें, ये देखो 1 प्लस डी बाई एफ, ये होता है मैग्नीफाइंग पावर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की जब इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में जब इमेज बनती है तो ये होती है मैग्नीफाइंग पावर। अब बच्चों देखो केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देखो दूसरा केस मैंने बताया था कि बताओ इमेज हम कहां से कहां के बीच में बनवा सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक की बनवा सकते हैं। तो पहला केस तो खत्म हो गया 25 सेंटीमीटर वाला। अब जो सबसे वर्स्ट केस है, जो सबसे दूर वाला केस है, वो कौन सा वाला होगा? जब इमेज इंफिनिटी पे बनती। इसीलिए केस टू क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इस केस में देखो इमेज डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के बराबर। तो जब हम इन्फिनिटी वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो इसमें वन गायब हो जाता है और अब बचता है टर्म डी बाई एफ। तो बस तुम्हें यही दो केस में इसकी मैग्नीफाइंग पावर को याद रखना है। हाँ ठीक है, बताएं सब सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो 1 प्लस डी वाई एफ कब होता है मैग्नीफाइंग पावर? जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म है। और डी वाई एफ कब होता है? जब इमेज कहां बन रही हो, बताओ जल्दी। डी वाई एफ मैग्निफिकेशन कब होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का? जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो। समझ गए सब? अच्छा ये बताओ जो इमेज है हमारी
वो 25 से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकती है, लेकिन हमने दो एंड पॉइंट्स पे मैग्निफिकेशन निकाल दिया कि भाई अगर डी पे बन रही है इमेज तो मैग्निफिकेशन 1+d/d, और जब इंफिनिटी पे बन रही है इमेज तो मैग्निफाइंग पावर कितनी आ रही है, dyf आ जा रही है। इसका मतलब एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफाइंग पावर की जो रेंज है वो किसके किसके बीच में है बताओ जल्दी। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की रेंज क्या कहां से कहां के बीच में है? तो मैग्नीफाइंग पावर की रेंज क्या हो गई हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप की, बोर्ड में ध्यान से देखो, डी बाई एफ से लेके 1+d/f, इसी रेंज में तो मैग्नीफाइंग पावर रहेगी ना हमारी। ये कब होगी, जब बी कहां पे है, इंफिनिटी पे है, और ये कब होगी, जब बी कहां पे है, माइनस डी। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बस बच्चों, बस आज के लिए हम माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तक ही अपने डिस्कशन को रखते हैं, ठीक। बस एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ और इसके साथ मैं क्लास को एंड करने वाला हूं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किस पोजीशन के लिए देता है, जल्दी से बता दो। फॉर व्हाट कंडीशन अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज मैक्सिमम मैग्निफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी होती है और कहां पे होती है? बिल्कुल सही बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1+d/f हो सकती है, और ये कब होती है, जब इमेज कहां पे बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब शो करता है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। सबको समझ में आया आज सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट? लास्ट क्वेश्चन एंड करें, ठीक है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया है तो अगली क्लास में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सीखेंगे। तो एक बार आप पढ़ के आओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में और फिर हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। चलो अब क्लास को खत्म करते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं बंद करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूं। चलिए,